अच्छे से रिसर्च करें, जिस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं कोर्स प्रोग्राम अच्छे से पढ़ें, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप यहाँ आने के बाद देखते हैं कि ये कोर्स आपके लिए वेल सूटेड नहीं है, तो फिर आप रीथिंक करते हैं. उसके बाद इफ़ यू वांट अ चेंज, वो प्रोसेस काफ़ी उतना ईजी नहीं होता है. फिर यहाँ पर आओ, आकर अपना कम्युनिटी बनाओ, दोस्त बनाओ, नेटवर्क्स बनाओ, यू विल गेट हेल्प. बिकॉज अगर नेटवर्क होगा तो हेल्प होगा, कोई ना कोई कुछ बोलेगा. अगर घर मिलना है तो एक दोस्त उसको बोलेगा, वैसे बोलेगा, घर मिल जाएगा. जॉब मिलना है, ऐसे मिलता है. यहाँ पर बातों से काम हो जाता है बहुत कुछ. तो ऑलवेज कीप होप, एवरीथिंग विल बी फाइन. हाय गाइस, राइट नाउ वी आर इन रोम. और आज मुझे मिले हैं हिमेल और अंबर, जो कि यहाँ पर रोम में स्टडीज कर रहे हैं. तो आज हम जानने वाले हैं कि ये इंडिया से इटली कैसे आए और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है. तो सबसे पहले हिमेल, आप जो है अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए. हाय गाइस, मेरा नाम है हिमेल घोष, मैं कलकत्ता से हूँ और मैं यहाँ पर सपियंसा यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस में मास्टर्स कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ. वंडरफुल. और आप अंबर? मेरा नाम अंबर चटर्जी है, मैं भी कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ और मैं भी सेपियंस में मास्टर्स इन डेटा साइंस का कोर्स कर रहा हूँ. वंडरफुल. तो हम जैसे आज आपकी पूरी जर्नी जानने वाले हैं, okay. तो सबसे पहले एकेडमिक बैकग्राउंड से जानते हैं, दोनों ही सेम यूनिवर्सिटी में सेम कोर्स के लिए हो. तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा था? मैंने बैचलर्स किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, वेस्ट बंगाल में ही, और मेरा ग्रेड्स था 9.47 10 में. और फिर मैंने आईएलएस दिया और आईएलएस में मेरा स्कोर आया 7.5. वंडरफुल. आपका? और मैं भी कोलकाता से बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में किया हूँ. और उसके बाद मैंने 12th दिया था, मेरा स्कोर अराउंड 95 था. वंडरफुल. तो यहाँ पर इटली आने का कैसे सोचा आपने? पहले कि यूरोप का एजुकेशन सिस्टम और फिर इटली का ये स्कॉलरशिप वाला सिस्टम, और फिर इटली में सबसे कम मतलब प्राइस होता है लिविंग कॉस्ट का यूरोप में. तो एंड वेदर एंड फूड ऑफ इटली, ब्यूटीफुल पीपल, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स टुगेदर. और मेरा ये सीन था, मैं जब अप्लाई करने जा रहा था, मैं वेरियस यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रहा था, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, इटली, बट मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और फॉर्चुनेटली मुझे सेपियंसा जैसे एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में चांस मिला, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया. ऑन टॉप ऑफ दैट, यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग, ट्यूशन फीस काफ़ी कम है नेबरिंग कंट्रीज से. सो ये कुछ रीजंस थे मैंने इटली चूज़ की. एंड व्हाई डेटा साइंस? मतलब डेटा साइंस अभी क्या है कि ये फ्यूचर है, मतलब एआई रेवोल्यूशन चल रहा है, अभी चैट जीपीटी आ गया, अब डेटा ही सब कुछ है. इंडिया में तो आईटी बूम चल रहा है, अब आईटी इज़ द एवरीथिंग. अब जॉब मार्केट आईटी में ज़्यादा है, तो इसलिए डेटा साइंस, एआई, ये सारे फील्ड अभी स्किल अप करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा. सेम फॉर यू? सेम फॉर मी एक्चुअली. वंडरफुल. तो इसके अलावा जैसे सेपियंसा के अलावा आपने और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था? मैंने अप्लाई किया था कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पादोवा, फिर काफोस्कारी वेनिस, और ऐसे ही कुछ पाविया, इनमें से अप्लाई किया था. कंप्यूटर साइंस वाले कोर्सेज थे, लेकिन जब मुझे सेपियंसा मिल गया, ये टॉप है कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स में टॉप है, इसलिए मैं सेपियंसा ले लिया. मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल इटली से शुरू करते हैं. इटली में मैंने सेपियंसा में अप्लाई किया था, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में अप्लाई किया था, पॉली में अप्लाई किया था, और यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना. तो मुझे सेपियंसा ने फर्स्ट ऑफर दिया था और बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ ने मेरे लिए इंटरव्यू शेड्यूल किया था. फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया ने मेरे लिए इंटरव्यू शेड्यूल किया था. पॉलीमिन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था. अच्छा. और सो मेरे पास सेपियंसा मतलब थर्ड प्रेफरेंस था आफ्टर पॉलीमी और बोलोनिया. क्या बात है. सो मैंने सेपियंसा सिलेक्ट किया. वंडरफुल. तो जैसे एडमिशन का सीन तो ये सॉर्टेड हो गया था. हाँ. फिर एडमिशन के टाइम पर आपका कोई इंटरव्यू हुआ था सेपियंसा? हाँ. यहाँ पर एक इंटरव्यू होता है, क्या है कि एक टेस्ट होता है पहले, तो वो कंप्यूटर साइंस बेसिक कोडिंग, मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी का एक 15 एमसीक्यूज का टेस्ट था. उसके बाद एक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था. उस इंटरव्यू में भी यही पूछा गया था कि व्हाई डू यू वांट टू कम टू इटली, व्हाई सेपियंसा, व्हाई डेटा साइंस, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो इंटरव्यू क्रैक कर दिया, फिर मिल गया ऑफर. सेम एक्चुअली, मतलब जो एमसीक्यू रहता है वो एक्चुअली कोर्स के ऊपर डिपेंड रहता है. फॉर एग्जांपल हम लोग का डेटा साइंस था, सो इसीलिए उन लोग प्री रिक्विजिट कुछ रहता है. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस कोडिंग का कुछ क्वेश्चंस था, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चंस था. तो ये सब प्री रिक्विजिट उन लोग चेक करते हैं कि वेदर स्टूडेंट्स आर लाइक एलिजिबल फॉर दिस कोर्स और नॉट. तो अगर उस टेस्ट को तुम पास करते हो तो उसके बाद उन लोग एक इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं. सो उस इंटरव्यू में उन लोग कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं फ्रॉम दैट कोर्स, और उसके बाद पूछते हैं मतलब एचआर क्वेश्चंस काइंड ऑफ, तुम इस इटली में क्यों आना चाहते हो, रोम में क्यों आना चाहते हो, इस यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहते हो.
वंस यू पास ऑल ऑफ दैट यू आर गुड टू गो. आपका एडमिशन लेटर कितने दिन में आया था? मेरा एडमिशन लेटर आया था, मैंने अप्लाई किया था अराउंड जनवरी के एंड में, और ये सब प्रोसेस टेस्ट इंटरव्यू होने के बाद मुझे एडमिशन लेटर मिला था एंड ऑफ मार्च. और मेरा इंटरव्यू फरवरी के एंड में किसी एक दिन हुआ था, और इंटरव्यू होने के एक घंटे बाद मेरे को ऑफर लेटर मिल गया था. वंडरफुल. तो ये तो रही कम्प्लीटली हमारी एडमिशन की बात. अब सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कॉलरशिप, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इटली को टारगेट करते हैं. तो आपके पास स्कॉलरशिप है यहाँ पर? नहीं, मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं है, मैं खुद ही से फंड कर रहा हूँ. और आपके पास? हाँ, मेरे पास स्कॉलरशिप है, मैंने डॉक्यूमेंट्स किया, सब एलिजिबल है, तो मैं विनर हो जाऊँगा. ठीक है, तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी? 7,000, करीब 7,000 के आसपास, 7,000 यूरो के आसपास. और इसको जब अप्लाई करा था तो यहाँ पर जैसे और क्या सर्विसेज मिलती है स्कॉलरशिप के साथ में, ये अमाउंट के अलावा? स्कॉलरशिप के साथ में यहाँ पर मेंसा का सर्विस मिलता है. ये है कि यूनिवर्सिटी का कैंटीन होता है जहाँ पर आप मतलब खा सकते हो कम पैसों में. मतलब यहाँ पर 2 यूरो में आप खा सकते हो, बहुत सारे खाना खा सकते हो. अदरवाइज आपको क्या होता है कि खाना खरीदना पड़ता है, बनाना पड़ता है. तो यहाँ पर मेंसा का कैंटीन है, वो वाला सब सब्सिडाइज्ड सर्विस मिलता है. और उसको छोड़कर आपको यहाँ पर लाजियो डिस्को का एकोमोडेशन का भी होता है. अब वो एकोमोडेशन मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, कुछ महीने बाद मिलेगा. अगर एकोमोडेशन मिल जाता है तो और भी कम कॉस्ट में आप रह सकते हो. तो ये सारे अच्छे अच्छे सर्विसेज है लाजियो डिस्को का. एंड आपको स्कॉलरशिप के बारे में पता था पहले से? हाँ, मुझे पता था, जो इसे ब्रैकेट होता है पूरा लाजियो डिस्को का, पूरा मतलब प्रोसेस मुझे पता था. बट आफ्टर इवेल्युएटिंग माय टोटल फैमिली इनकम, एसेट वैल्यूएशन एंड एवरीथिंग, मूवेबल एसेट वैल्यूएशन, सब इवेल्युएट करने के बाद मैं देखा कि मेरा इसे जो वैल्यू है वो इसे ब्रैकेट के मतलब एक्सीड कर जा रहा है. सो इसलिए मैंने अप्लाई नहीं की. अच्छा, आपने अप्लाई ही नहीं किया? अप्लाई नहीं की थी. ठीक है, तो अब जब सबसे इम्पोर्टेंट वीज़ा की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर कौन सी डेट को आए थे इटली में? हम दोनों ही यहाँ पर 6 सितंबर को आए थे. 2023. ठीक है, तो आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कब किया था? अप्लाई जून में किया था, 7 जून में अप्लाई किया था. ठीक है, पहले पहले कर लिया एक था. साथ ही एक साथ किया. मतलब यह है कि ये कोइंसिडेंस है कि दोनों को एक साथ ऑफर मिला, फिर एकोमोडेशन ढूंढ रहे थे फेसबुक ग्रुप्स में और वहाँ पर मिल गए दोनों, फिर हम साथ में सब एक साथ वीज़ा अप्लाई करना, फिर यहाँ पर आना, सब साथ में कर लिए. तो आपने जो है फंड्स कितना शो किया था? वीज़ा के लिए 10 लाख का मिनिमम फंड्स शो करना पड़ा था. 10 से 12 लाख का आसान होता है मास्टर्स के लिए, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर खर्च होता है कि एक साल में 5,000 यूरो का लिविंग कॉस्ट और सब मिलाकर खर्च होगा. सो 10,000 यूरो का अगर आप वो दिखा सकते हैं कि बैंक बैलेंस में 10 लाख है इसी या 11 लाख है, इट्स एनफ. और फंड्स शो करने के साथ साथ जो चीज़ शो करना पड़ता है कि सोर्स ऑफ फंड क्या है, क्योंकि आपका मनी अगर शेडी होगा तो वो लोग पूछेंगे क्या कहाँ से आया है मनी. सो सोर्स ऑफ फंड इज़ इम्पॉर्टेंट. इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट्स हो या फिर कोई सैलरी स्लिप हो या इनकम स्लिप हो, कुछ भी हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वो दिखाना होता है. अगर पेरेंट्स फंड करते हैं तो फिर पेरेंट्स का वो लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप वो दिखाना पड़ता है. तो ये सारे चीज़ें हैं. तो आपका वीज़ा कितने दिनों में आ गया था? वीज़ा आ गया था 2 से 3 हफ्तों के अंदर ही अंदर. मतलब वीज़ा का जो इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू के 2 दिन में वीज़ा आ गया था. अच्छा, हाँ. और आपका कैसा सीन था? मेरा सीन था, मैं अराउंड 15 से 16 लाख रुपीज़ दिखाया था वीज़ा के लिए. और वीज़ा मतलब आफ्टर वीज़ा प्रोसेस एप्लीकेशन जब किया, उसके 2-3 हफ्ते के बाद ही मुझे मिल गया था वीज़ा. अच्छा, 2-3 वीक्स मतलब कोलकाता एम्बेसी में? हाँ, मतलब काफ़ी क्विक. मतलब मैं सोचा नहीं था इतना जल्दी हम लोग को मिल जाएगा, बट फॉर्चुनेटली दे आर क्विक. इंटरव्यू होने के 2-3 दिन में वीज़ा मिल जाता है वहाँ पर. ये भी सही है. अच्छा, जैसे आपके पास स्कॉलरशिप है, तो आपने कुछ ट्यूशन फीस पे की यहाँ पर? नहीं, मैंने ट्यूशन फीस कोई पे नहीं की, क्योंकि मेरा स्कॉलरशिप एलिजिबल है, इसलिए मेरा ट्यूशन फीस 0 है. और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सपियंस अगर इंडियंस के लिए ट्यूशन फीस बहुत कम है. जैसे कि यहाँ पर एक ब्रैकेट्स रहता है, आप किस कंट्री से उसके ऊपर होता है. इंडियंस के लिए करीब 400 यूरो का ट्यूशन फीस रहता है एक साल का. तो मतलब मैक्सिमम है 3,000 यूरोस, लेकिन इंडियंस हो तो 400 यूरोस रहेगा. अब स्कॉलरशिप है तो वो भी नहीं लगेगा, मतलब 0 हो जाएगा. वो एक रीजनल टैक्स होता है 150 यूरो का, वो देना पड़ता है, लेकिन वो बाद में रिफंड हो जाता है क्योंकि वो स्कॉलरशिप होता है, इसलिए इफेक्टिवली 0 हो जाता है. और आपकी केस में जैसा मेरी केस में स्कॉलरशिप नहीं था. एज हिमेल ने बोला कि इंडियंस लोगों के लिए जो फीस रहता है वो कम हो जाता है, थोड़ा मतलब डिडक्शन रहता है. तो मैंने फीस पे की थी अराउंड 400 यूरो टैक्स फैक्स सब मिला के एक साल के लिए. तो ये हर साल सेम ही रहने वाला है आपके लिए? होपफुली अगर हाँ. अगर टैक्स चेंज नहीं होता है तो वैसा सेम ही रहेगा.
और जैसे रोम मतलब कैपिटल ऑफ इटली है, तो यहाँ पर रहना कैसा रहता है, मतलब आपका लिविंग कॉस्ट कितना आ रहा है? लिविंग कॉस्ट मैं बोलूँगा वही की हिसाब वही है, 5,000 यूरो एक साल में जो लगेगा वो वीज़ा का होता है हिसाब, उसी हिसाब में होता है कि लिविंग कॉस्ट यहाँ से, यहाँ पर अगर शेयरिंग में अगर रह सकते हैं एकोमोडेशन में 500-600 यूरो के अंदर एक महीने का हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि एकोमोडेशन का ही जो कॉस्ट होता है, और अगर एकोमोडेशन थोड़ा करीब हो तो ट्रांसपोर्टेशन का वैसा कुछ कॉस्ट नहीं लगता इंडिया, क्योंकि वॉकिंग इज़ द मोस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हियर। सो यहाँ पर वो खाने का कॉस्ट होता है वो भी कम होता है, 60-100 यूरो के बीच अगर मंथली खाने का कॉस्ट हो जाए और एकोमोडेशन का कॉस्ट बैलेंस हो जाए तो 600 यूरो मैक्स आउट कर सकते हैं, 600 यूरो में मंथली लिविंग कॉस्ट रख सकते हैं रोम में। आपका? मैं अराउंड 350 देता हूँ रेंट और बाकी 100-150 खाना ट्रांसपोर्टेशन या, सो टोटल मिला के अराउंड 500 यूरोज मैक्स में मैं मैनेज कर लेता हूँ। अभी आप शेयरिंग में रह रहे हैं यहाँ पर? हाँ हाँ, शेयरिंग में, मतलब हम दोनों रूममेट्स हैं तो यहाँ पर हम दोनों शेयर करके रहते हैं। अच्छा। सो 350 यूरो अकोमोडेशन कॉस्ट देना पड़ता है क्योंकि यूनिवर्सिटी के करीब रहते हैं। वो एक दैट वॉज अ पेन रियली, मैंने मतलब मंथली वो रिसर्च करना पड़ता है अलग लेवल का, फेसबुक में हो या कुछ भी, हाउसिंग एनीवेयर, स्पॉटर होम, कुछ भी हो, क्योंकि अगर आप लेट करते हो ना स्पॉटर होम में क्या होता है कि जितना आगे कर सकते हो उतना अच्छा है, मतलब अगर मार्च अप्रैल या जून के बीच कर सकते हो अच्छा है, लेकिन अगर देर होगा तो वहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि चला जाता है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। सेम, मतलब एकोमोडेशन के लिए 1-2 महीना मतलब रिसर्च के लिए मान के चलो, स्पेशली रोम के लिए इतना इतने स्टूडेंट्स आते हैं बाहर से और इतना क्रंच रहता है मतलब एकोमोडेशन के लिए, सो मतलब काफ़ी मतलब एफर्ट देना पड़ता है अगर आपको अच्छा घर चाहिए। बाहर काफ़ी घर है, मतलब अगर सिटी आउटस्कर्ट्स में बहुत सारे घर अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल अगर रोम के सिटी सेंटर से थोड़ा बाहर चले जाए, फॉर एग्जांपल तोरवेरगाता, उधर काफ़ी मतलब एकोमोडेशन अवेलेबल है, बट आपका अगर यूनिवर्सिटी सिटी सेंटर में हो तो आपको एवरी डे कम्यूट करना पड़ेगा वहाँ, आपको अराउंड 2-2.5 घंटा लग मतलब एवरी डे आपका वेस्ट होगा फॉर जस्ट कम्यूटिंग, तो ये सब ट्रेड ऑफ्स रहता है। तो इसीलिए अगर आपको अच्छा एकोमोडेशन चाहिए तो 1-2 महीने का रिसर्च करना पड़ेगा बिफोर कमिंग ईयर। ट्रू, ये भी सही है, काफ़ी हेल्प करेगा हम स्टूडेंट्स को जो व्यूअर्स में देख रहे हैं, और पार्ट टाइम जॉब्स का भी काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं, तो आपका क्या लगता है यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब को लेकर? फॉर एग्जाम्पल फिलहाल तो मैं कोई पार्ट टाइम जॉब्स नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ डिलीवरी का कुछ काम करते हैं या फिर कुछ और मतलब डेटा एंट्री का काम करते हैं या कुछ स्टोर्स में एज अ मतलब स्टाफ का काम करते हैं, तो ये सब मतलब जॉब्स अवेलेबल है फॉर पार्ट टाइम। हाँ, और इसके ऊपर अगर आपका यूनिवर्सिटी में ग्रेड्स अच्छा रहता है तो मतलब 1-2 सेमेस्टर के बाद यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करता है यूनिवर्सिटी में काम करने के लिए, जैसे कि टीचिंग असिस्टेंट हो या लैब का वर्क हो, ऐसे ऐसे वर्क होता है कि यूनिवर्सिटी का, तो वो पे करता है, तो वो भी चीज़ है। तो कुछ अर्निंग के बारे में पता है कि पर मंथ कितना अर्न हो सकता है? पार्ट टाइम में आपका क्या लगता है? मुझे लगता है अराउंड जितना मुझे मैंने सुना है अराउंड 500-550 यूरो तक आप इनकम कर सकते हो पार्ट टाइम में। हाँ, निकाल सकते हो, कहीं ना कहीं आप निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना टेनेसिटी आपके अंदर है कि आप कितना अच्छा ढूंढ सकते हो या और कर सकते हो, कर सकते हैं। अगर आप मतलब डेली 2-3 घंटा या 4 घंटा देते हो तो वो 500-550 यूरो मतलब इनकम करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको ये अपना स्टडीज के साथ मैनेज करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपसे, मतलब सारी चीज़ें हमने कर दी कवर, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब आप जो है हमारे व्यूअर्स, आपके जैसे स्टूडेंट्स जो है अब इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको क्या आपका सजेशन है? मेरा सजेशन रहेगा कि सब कुछ स्टेप वाइज एंड मेथडिकली करो, पहले अपना पूरा रिसर्च कर लो, जैसे कि मैंने दीपांशु भैया का यूट्यूब चैनल देख के बहुत रिसर्च किया था, तो सब अगर इफ़ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, अगर कोई भी क्वेरी ना हो फिर सब क्लियर हो जाए तो मेथडिकली करो, एडमिशन ले लो, ऑफर मिल जाए फिर वीसा का अप्लाई करो, वीसा मिल जाए फिर वो अकोमोडेशन सही से ढूंढ लो, फिर सब कुछ मतलब सेटल अप हो जाओ, फिर यहाँ पर आओ, आकर अपना कम्युनिटी बनाओ, दोस्त बनाओ, नेटवर्क्स बनाओ, यू विल गेट हेल्प, बिकॉज अगर नेटवर्क होगा तो हेल्प होगा, कोई ना कोई कुछ बोलेगा, अगर घर मिलना है तो एक दोस्त उसको बोलेगा, वैसे बोलेगा घर मिल जाएगा, जॉब मिलना है ऐसे मिलता है, यहाँ पर बातों से काम हो जाता है बहुत कुछ, तो ऑलवेज कीप होप, एवरीथिंग विल बी फाइन, ऑल द बेस्ट। ग्रेट मैसेज मैन, आपका क्या राय है? मैं जस्ट यही बोलना चाहूँगा कि अच्छे से रिसर्च करें जिस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, कोर्स प्रोग्राम अच्छे से पढ़ें,
क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप यहाँ आने के बाद देखते हैं कि ये कोर्स आपके लिए वेल सूटेड नहीं है, तो फिर आप रीथिंक करते हैं. उसके बाद इफ़ यू वांट अ चेंज, वो प्रोसेस काफ़ी उतना इजी नहीं होता है. तो मैं यही सजेशन दूंगा कि बाहर अब्रॉड आने से पहले कोर्स स्ट्रक्चर अच्छे से रिसर्च करें, उसके बाद ही अप्लाई करें. और बाकी तो हिमेल ने सब बोली. हाँ, वही सही बात है. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर शेयरिंग योर वैल्यूबल एक्सपीरियंस. ये काफ़ी हेल्प करने वाला है हमारे स्टूडेंट्स को. एंड आई वॉन्ट यू गाइज ऑल्सो व्यूअर्स को कि इन दोनों ब्रदर्स को थैंक यू बोले इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ. बाय. थैंक यू सो बाय.